एकदम उम्मीद करनो तुम ठीक होला और मिले ठीक छिन। स्वागत छु मेरे यूट्यूब चैनल संगीता मेहता ब्लॉग पर। और आज मैं अपन कुमाऊँ एक पुरान डिश बनौनी जो हम कुमाऊँ में हम पूर्वज लोग अक्सर बड़ू छी। आजकल तो कम बड़ौनी ये चीज़ के, लेकिन आज मैं जो बड़ौनी वो थोड़ा पुरान डिश छू और शायद आप लोगों के पसंद आल। अगर पसंद आला तो मैं चैनल को लाइक करिया, सब्सक्राइब करिया और कमेंट ला करिया। और मैं स्वागत करनो अपन उत्तराखंड अपन देवभूमि उत्तराखंड बैठी बागेश्वर जिला कठैत बड़ा नामा गांव में मिरनो। और आज मैं बड़ोनी अपन ब्लॉक में आलू थिचवाणी। तो मैं आपको बैक कैमरा में दिखूनु कि आलू थिचवाणी में कसी बड़ोनो। और एल तो जो छू मैं एक हाथल कैमरा मोबाइल पकड़ रखो और एक हाथल मैं आप लोगों का बैक कैमरा बट आप सब दिखो थोड़ा थोड़ा कभी जो तुम्हें बढ़ा सको या शूट कर सको वैसा। ये छन आल जो मिल रखिन इनके मैं साफ करबे सिलबट्टा में थेचन तब तो ये आलू थिचवाणी नाम दे भाई। ये आल ने हमारे घर छिन या कोई दुकान पर खरीदी हुई आल नहीं थी, हमारे खेत में हरा ची प्योर पहाड़ी आल छिन यो हम लोग खेत में लगा रहा छी। पर क्या कर छा बानर नोल सब निकाल दी है जल्दी तो हम यूँ कम टाइम में हम निकाल दी तो अभी बहुत ना नह रही तो मिल उसी आलू डुगलो बढ़ जा छी ना। पर मैं सोचो कि नान आल छिन और पहाड़ी छिन तो इनर में थेजबे स्वादिष्ट सब्जी बढ़नो जो उत्तराखंड का फेमस साग हो। आज मैं आलू साग थिच आलू थिचबे आलू थिचवाणी साग बड़े बड़े दिखूनू आप लोगों के। ये आल हम खेत में का छिनियो दुकान में दिनियो तो मैं अगिल आप लोगों के दिखूनू। ये आलू घूमी इन्हें हल्की सी परत हूँ ये हल्के में इसके में निकल जानी है ना इन्हें छिकल इसके निकाल देना यो। और तो मैं आप लोगों के दिखू इसके छिकल निकालबे धोबे फिर मैं आप लोगों ने अगला प्रोसेस दिखो ठीक छो। जो छिन मिल छिले छिक्कल पता छिक्कल छे घर आल छे ना जब भाई ना छिक्कल निकाले है अब सिलबट्टा में इनको थेज दिनो जरा सी ये सो सिलबट्टा तो मैं आल थेज दिनो ऐसी मुणे मुणे को ना एक हाथ मोबाइल ला पकड़ रहा और मोबाइल हिल न हो कि ये सिलबट्टा को थेज में थोड़ा सा हिल जाना शरीर तो मोबाइल ला हिल न नैनथिन जोशी नाच कहेगा बर्थडे में जरीन तो तल तरब है तो नैनथिना तक मैं आपको काम करूँ पर नैनथिना चलाऊँ बड़ा हाल बीटियो एल देखो मैं एक हाथल मोबाइल पकड़ रही और एक हाथल आल थेचनू यो सिलबट्टा में तो इसी ये इसी का थेचन भाई आल ना ज़्यादा पता हो ना ज़्यादा मोटी तो थोड़ा सा मतलब ये देखो थोड़ा सा सिलबट्टा भी इसी थेच दिन भर को दबा दिन भर जो थोड़ा सा हल्का थे तब यह नाम आलू थिचवाड़े पड़ी भाई। मैं सब आल थिचवे आप लोगों ने फिर देखूँ थोड़ा देर में। और ये देखो ये बाद में मसाला पिसन और मसाला मिल रखी ये चार लाल मिर्च छिन और ये हल्दी खून छू ये अदरक छू ये लहसुन कली छिन और ये धनी छू और यो जीर छू ये जीरा जीरल हुआ तो इनको मैं दगड़ा पीस ली नो पहले आल थिचनो आल इधो आल थिचन छिन ये आल थिचवा पर मैं मसाला पीसनो पर जब मैं तुम उनको अकेला प्रोसेस देखूँ और तब तक आप लोग हमें ब्लॉग में बनी रहे। आल ये मोटी मोटी मिल थिचल और मोटी मोटी थिचल और ये मसाला पीसल मिल और अब मिल कड़ेला धरे चूल मैं तेल जीर खींच दिन थोड़ा सा जीरा बाद में थोड़ा सा लहसुन छिट दिन लहसुन थोड़ा काट लो लहसुन थोड़ा सा ब्राउन हो आप प्याज छिट देंगे
टमाटर खिदे दी मार थोड़ा टमाटर खिद भून दिन नमक खिद थोड़ा सा स्वाद अनुसार बोल थोड़ा मसाल मसाला भाभी भाप आ रहा है पूरा ये खुली खुली थी वाली कढ़ाई ना ना सब्जी है रेडी हम एक चुनाव जिम उतार दिन बढ़िया रोया आलू खींचू गजमर थोड़ा बिल्कुल बढ़िया गजमर चाव बढ़िया एकदम उतार दिन चुनाव आलू थेचू बड़ा गयो कदू भल देख आलू थेचू ये देखो और हमारे खेतन में जो नाना नाना आलू ने जिन्हें सब्जी नहीं बढ़ाई जान तो या आलू वो आलू थेच भाई आलू थेचू बड़ो ने मर्डर और यह घेवला खेती हो हगो हमार रुको थाई रेडी खाना थाई रेडी हगो हगो तो ये कदमी आज ब्लॉग एंड करनो आज बहुत हगे ब्लॉग एंड करो पहली थैंक यू हमार ब्लॉग देखना ते गुड नाइट शुभ रात्रि आप में मिलन तुम होगा अगेन ब्लॉग में।